समाज के लोग हम लोग साल भर कार्यक्रम करते हैं और उसी की परंपरा। इस होली में अवध की होली भी है, ब्रज की होली भी है, मसाने की होली भी है और इतिहास से संस्कार दानी इस रंग पंचमी के महोत्सव में रंग चुकी है। संस्कारधानी जबलपुर में एक अनोखी समरंग यात्रा निकाली जा रही है। समरंग यात्रा यानी सभी रंग जो है वहाँ एकजुट है और आप देखेंगे कि जबलपुर शहर के ऐतिहासिक कमानिया गेट, धर्मपुर कांग्रेस स्मारक के कमानिया गेट को इस वक्त मैं आप दिखा रहा हूँ और ये जबलपुर का मुख्य शहर है जहाँ आप देखेंगे कि रंगों का उत्सव समरंग यात्रा के तौर पर लगातार आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग एकजुट हैं और जबलपुर का सामाजिक समरसता संगठन जो है वो इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि संदीप जैन जी भी हैं जो कि रंग में हम कहें कि समरंग जो है हर तरह के रंग अभी आपके चेहरे पे भी नजर आ रहे हैं। तो संस्कारधानी में इस तरह से रंग पंचमी का आयोजन क्या संदेश दे रहे हो? कि सारा समाज एक है, सब मिलजुल के साल त्योहार मनाएंगे, ये संस्कारधानी का संदेश है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ये शामिल हैं, तो किस तरह से आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है? ये सारे जाति समाज के लोग हम लोग साल भर कार्यक्रम करते हैं और उसी की परंपरा है। और हम देख रहे हैं कि उत्साह में आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस समरंग यात्रा में शामिल है और तमाम लोग जो है एक ही रंग है, ये समरसता का रंग है जिसको धारण किए हुए हैं। और संदीप जैन जी से मैंने अभी बातचीत करवाई, उज्ज्वल पचौरी भी मुझे दिख रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या माहौल है और रंग पंचमी का ये उत्साह, संस्कारधानी का रंग ही अलग दिख रहा है। बस समरसता की होली अब संस्कारधानी की होली हो चुकी है। हमारी इस होली में अवध की होली भी है, ब्रज की होली भी है, मसाने की होली भी है और इतिहास से संस्कारधानी इस रंग पंचमी के महोत्सव में रंग चुकी है। हमें भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का। रंग पंचमी संस्कारधानी जबलपुर में मुख्य तौर पर नहीं मनाई जाती थी, एक परंपरा भी आप लोगों ने शुरू की है, इस बार परंपरा चालू की है और परंपरा आगे भी कायम रहेगी। लोगों का हम लोगों को स्नेह इस प्रकार से मिला कि हम दो पर्व होते हैं समरसता के, गजलैया और होली। हमने गजलैया भी बहुत अच्छे से मनाया, जबलपुर वासियों का प्यार मिला और आज समरसता की होली हम उसी उत्साह से मना रहे हैं। तो देखिए समरसता की होली है यहाँ जहाँ सभी रंग जो है आपको नजर आएंगे, सबके चेहरों पर लाल, पीले, हरे, गुलाबी, हर तरह के रंग नजर आएंगे और समाज भी जैसे अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, तो इस समरसता के जरिए सभी वर्ग समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। और अमूमन रंग पंचमी का आयोजन जबलपुर में होता नहीं था लेकिन ये परंपरा शुरू की गई है और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई ये समरंग यात्रा धूमधाम से यहाँ पर निकल रही है और इसमें ढोल नगाड़ों की धुन पर अलग अलग रंगों की बौछार के बीच में नाचते गाते लोग भी आपको नजर आएंगे। जगह जगह आप देखेंगे, आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से स्वागत मंच भी लगाए गए हैं और फूलों की बरसात करते हुए इस समरंग यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। गुलाल अबीर उड़ाया जा रहा है, फूलों की बरसात हो रही है और हम कहें कि अद्भुत ही नज़ारा जबलपुर में रंग पंचमी से पहले इस समरंग यात्रा में नजर आ रहा है। इनके चेहरों की खुशी और उत्साह भी आपको देखने लायक मिलेगा और एक ये कोशिश है जैसा समरसता सेवा संगठन की ओर से समाज को एकजुट करने की, जैसा कि संदीप जैन ने बताया, तो आपको वही नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहेगा। कैमरा पर्सन मुझे दिखाएंगे भी, हम कह रहे थे कि अलग अलग रंग आपको नजर आएंगे, तो ये शेर नृत्य है और मुख्य तौर पर जबलपुर इसके लिए पहचाना भी जाता है। तो इस समरंग यात्रा में शेर नृत्य के साथ शेर ढोल धमाकों की धुन पर यहाँ होली के हुलियारे रंग गुलाल फूलों की बौछार के बीच नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं और एक अद्भुत माहौल हम कहें कि जबलपुर में समरसता का